I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Come and show me the way. Ooh, please show me the way. I feel गैस गुड आफ्टरनून। तो अभी हम गाजियाबाद में हैं। गैस व्हाट, मुझे एक ओनर मिले हैं शैलेश जी, एंड ही इज ड्राइविंग हिज टियागो फ्रॉम लास्ट 2016, और उनकी पेट्रोल की कार है। चार साल से, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके 5-6 महीने बाद इन्होंने ले ली थी। तो ये लोग जो गाड़ी है करीब 4 साल से चला रहे हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। पहले जैसे मैंने पहले बताया है कि फ़ोन में कोई ज़्यादा बात कुछ भी नहीं हुई है, तो जो इनका एक्सपीरियंस है बिल्कुल कैमरे में शूट होगा। वो मेरे आगे आगे जा रहे हैं, हम अभी पार्क में जा रहे हैं किसी, ताकि वहाँ पे आपको वॉइस का कोई इशू ना हो। मीट शैलेश भाई। हेलो एवरीवन। और इनके पास टियागो है। देखो टियागो तो बहुतों के पास है, लेकिन मेन रीज़न इनका जो इंटरव्यू शूट करने का मेरा पर्पज़ क्या है, 2016 से ये टियागो यूज़ कर रहे हैं। 2016 में इन्होंने टियागो तब ली थी जब इनको लॉन्च हुए लगभग 5-6 महीने हुए थे। 5-6 महीने हुए थे, उनके बाद ही उन्होंने गाड़ी ली थी। तो मैंने कहा जो इनका एक्सपीरियंस है, अभी मुझे नहीं पता कि एक्सपीरियंस इनका अच्छा है या बुरा है, तो अब जब कैमरे में बातें होंगी तब पता चलेगा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलिए बात करते हैं शैलेश भाई से। तो ये तो मैंने आप मेरी बात हो गई थी कि आप 2016 में लिया था, तो मुझे कुछ बताइए टियागो के बारे में। जब इनिशियली टियागो लॉन्च हुई थी, तो टू बी वेरी ट्रू, मैंने टियागो TVF, लाइक आई एम अ फैन ऑफ TVF, तो TVF ट्रिपलिंग करके एक शो आया था। अच्छा। अगर आपने देखा हो तो शायद। तो उसमें टियागो वाज़ द मेन स्पॉन्सर, टाटा टियागो वाज़ द मेन स्पॉन्सर ऑफ TVF ट्रिपलिंग, एंड उसको देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ। फिर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला नहीं यार, ये शायद अलग इंडिका से, और जो टाटा की हिस्ट्री रही थी, बिकॉज टियागो वॉज दैट जिसने चेंज किया पूरा गेम टाटा के लिए। बिल्कुल चेंज इनिशियली उसने। तो इनिशियली मेरी फैमिली थोड़ी सी मुझे मना कर रही थी कि टाटा ब्रांड इज़ नॉट दैट मच रिलायबल, बट स्टिल आई वेंट फॉर इट। एंड लेने के कुछ टाइम बाद मुझे पेट्रोल पम्प पे लोग रोक के पूछते थे, भैया कैसी चल रही है गाड़ी, और कुछ लोग जैसे चलते हुए गाड़ी चलते हुए पूछते थे शीशा डाउन करके कि शीशा डाउन करो। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कहीं कुछ पंचर वगैरह तो नहीं है, एंड वो लोग पूछते थे भैया मतलब हाउ इज़ इट रनिंग। सो इनिशियली इट वाज गुड, एंड लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं, व्हाट आई बिलीव, कि ऐसा नहीं है कि 100% पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। बट अगर मैं समराइज करूँ, मैं इनिशियली समराइज कर रहा हूँ, बट थोड़ा पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। टाटा का एक ब्रांड वैल्यू है, और जो गाड़ी को चलाने में जो सेफ्टी फील होती है ना, कि मैंने लाइक आई हैव ड्रिवन ऑल्टो, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो तक चलाई है, बट लाइक स्कॉर्पियो इज़ अ डिफरेंट लेवल। बट जो टियागो का लाइक व्हाट यू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, तो वैल्यू फॉर मनी इज़ लाइक 100%, नो डाउट इन दैट। एब्सोल्युटली, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट योर वर्ड्स, जिन्होंने बोला कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होते हैं, कोई भी ब्रांड परफेक्ट नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं बार बार मास्क में हाथ लगा रहा हूँ, बहुत लोग कह सकते हैं मत लगाओ, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ तो नीचे आ जाता है, तो थोड़ा अच्छा मास्क लेना पड़ेगा मुझे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे इन्होंने बताया, इनकी जो इनका जो थॉट है, ओपिनियन मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, एक गाड़ी नई लॉन्च हुई है, टाटा का नाम पहले अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने टियागो लॉन्च की और 6 महीने के बाद इन्होंने ले ली, उसमें भी नहीं पता कि हम किसी को नहीं पता था कि टियागो कैसा करेगी फ्यूचर में, भले इसने बहुत अच्छा किया, तो उस समय इन्होंने गाड़ी ली है टाटा पे भरोसा करके। सो दस वो इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो उस समय तो गाड़ी बहुत सारी थी। मतलब अगर कंपेयर करोगे 2016 तो उसमें गाड़ी बहुत थी, तो मेनली टाटा जो टियागो है कुछ आपको डिफरेंट तो लगा होगा, क्योंकि उसमें ये बात है कि बैट गैम्बल खेलने वाली बात है उसमें तो। यस एग्जैक्टली, है ना। तो आपने ऐसा क्या सोचा लाइक उस टाइम पे जो 3-4 ऑप्शन मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, वो जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, i10, स्विफ्ट,
टियागो एंड देन वैगनार भी था कि मतलब ले सकते हैं, बिकॉज जो मेरी प्राइस रेंज थी दैट वाज बिटवीन 5 to 6.5 और 7, लाइक आई कैन एक्सटेंड टू 7 बट लाइक 7 वाज द मैक्स. एंड यू गाइस वुड नॉट बिलीव दैट इन 2016 आई गॉट दिस टियागो एक्सेड एट 530 ऑन रोड, दैट वाज द टॉप मॉडल. सो और आप ये देखो डुअल एयर बैग्स हर्मन कार्डोन का जो सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे एक पैकेज लगा टियागो. उसे ईवीडी एबीएस सब कुछ है ना? यस एवरीथिंग इज दैट्स द टॉप मॉडल. और आज तक आज मुझे 4 साल हो गए हैं, 4 साल में आई हैव नॉट लाइक स्पेंड एनी एक्सेसरीज, आई हैव नॉट फिटेड फ्रॉम आउटसाइड एज इट इज प्योर स्टॉक. और दूसरी मैं इनको वो बात बोलने वाला हूँ, जैसे टियागो इन्होंने ले तो ली ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे मुझे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं क्या लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या प्रोज हैं कौन से हैं. अब जैसे बताया प्रोज एंड कॉन्स तो हर उसमें हो सकते हैं. अब इन्होंने डिसाइड किया कि टियागो ले लेते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर था. लेकिन सबसे बड़ा आपने रिस्क फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे. तो आदमी सोचता है, कैलकुलेट करता है कि एक गाड़ी में ले रहा हूँ 5 लाख की, दूसरी गाड़ी 6.5 लाख की है, इसमें फीचर्स ज़्यादा है लेकिन अभी इसकी रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन ब्रांड अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट नया निकाला है, तो क्या करना चाहिए. तो उन्होंने बेट किया एंड जो बेट रहा हो सक्सेसफुल रहा हो. तो इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, टियागो इज़ अ वंडरफुल कार, 3 साल चलाई मैंने. एक ही चीज़ का मुझे थोड़ा हुआ है कि सर्विस इनका मिक्स्ड है, मैं नहीं कहूँगा कि बुरा है. 10 सर्विस सेंटर में से 5 आपको अच्छे मिलेंगे, 5 का जो रिव्यू है थोड़ा अच्छा नहीं है. तो जो 5 अच्छे सर्विस सेंटर है वहाँ पे सर्च करके अगर आप सर्विस कराते हो कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा टाटा प्रमोट करने के लिए, इन्होंने तो गाड़ी पैसे दे के खरीदी है, इनको भी कोई पैसे नहीं दे रहा टाटा प्रमोट करने के लिए. ये इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस है, 4-5 साल में इनको अच्छा लगा है वो बात बता रहे हैं. और मैंने भी 3 साल यूज़ की है, उसके बाद नेक्सॉन लिया है, तो एक रिकमेंडेशन हम लोग दे सकते हैं, वही चीज़ है. और शैलेश जी चलो ये तो हो गया, कॉन्स में बाद में आऊँगा, पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं. इसमें पॉजिटिव आपको क्या लगता है टियागो में? सबसे पहला तो ये है कि आई एम 6'2", तो वो भी देखना पड़ता है कि मतलब कि आप गाड़ी बैठने में कंफर्टेबल है, बिकॉज लाइक आई एम थोड़ा बॉडी है हेल्दी है तो उस चीज़ को कंफर्टेबल, बिकॉज जो बंदा पतला होगा वो एडजस्ट कर लेगा, बिकॉज थोड़ा सा हेल्दी बंदा ना उसे मतलब लॉन्ग रन में अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो आपको कंफर्टेबल भी इज़ अ फैक्टर. तो जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया और जब मैं बैठा तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, और आज तक 4 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी किसी भी बम्पर में मेरा सर रूफ से टच नहीं हुआ. एंड यू आर 6'2" पॉइंट टू बी नोटेड. सेकंड पॉइंट इज़ जब आप चलते हो तो म्यूज़िक जो है जो इनका इनबिल्ट हार्मन कार्डोन का दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड. एंड मतलब लोग मुझे जब गाड़ी में बैठते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह ऑफिस कलीग्स तो इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि ये मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम और सराउंड साउंड है, 4 स्पीकर 4 ट्विटर वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो यू गेट ए सराउंड साउंड. पॉजिटिव मैं तो एयर बैग सेफ्टी, अब आप कोई गाड़ी मैं तो 5 लाख ही बोलूँगा, मतलब 530, तो 530 में इफ़ यू गेटिंग ABS राइट नाउ, शायद BS6 के बाद गाड़ियाँ थोड़ी महंगी हो गई हैं, महंगी हो टियागो भी, बिकॉज एक प्रोडक्ट जब चल जाता है तो कंपनी भी उस चीज़ को थोड़ा मिल्क करती है, तो वो चीज़ उनकी बनती भी है. बट शायद इंजन रिफाइन भी हुआ है और अब जो हमें शिकायतें आ रही हैं बहुत कम हो रही हैं. पहले गियर में जो दिक्कत वगैरह थी वो भी वाइब्रेशंस वगैरह वो सब इम्प्रूव किया है. तो मैं यही बता रहा हूँ कि उस टाइम पर जो पैकेज मुझे मिला तो उसको देखते हुए सेफ्टी वाइज सबसे बड़ी चीज़ है सेफ्टी, जान है तो जहान है, सीधी सी बात है कि भगवान ना करे कुछ हो जाए और आप बचोगे तभी तो इन फ्यूचर आप खरीद सकते है ना, खरीद सकते हो कुछ भी कोई ऐसा. और आप YouTube पे कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा पेड व्यूज़ नहीं है, आप देखोगे एक्सीडेंट्स वगैरह. और शायद टियागो का एनकैप 4 स्टार रेटिंग है, तो हैचबैक में किसी को नहीं मिला 4 स्टार अभी तक. तो सेफ्टी वॉज वन थिंग. एंड जो चलाने में कॉन्फिडेंस आता है ना यार, जब आप 100 पे ट्रैवल करते हो, लाइक दोज गाइज इन दिल्ली NCR इफ़ दे हैव हर्ड इट और गॉन टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, सो वहाँ पे स्पीड लिमिट है 120, सो 120 इज़ परमिटेबल लिमिट, यू कैन गो टू 120.
सो वहाँ पे जब आप 100 के ऊपर जाते हो तो जो कॉन्फिडेंस आता है, गाड़ी जो चिपक के चलती है हाईवे से, तो वो एक अलग ही मज़ा है यार. फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक. ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आपको शायद शोरूम में कोई नहीं बताएगा, बट जब आप चलाते हो और टेस्ट ड्राइव पे आप कभी 100 नहीं ले जा सकते. मतलब शायद मुझे पता नहीं, ले भी जा सकते हो बट आई एम नॉट श्योर. बट ये चीज़ ऐसी होती हैं जो बंदा चलाता है, जो ओनर है वो ही बता सकता है आपको. और मुझे लाइक फिफ्थ गियर थर्ड थ्री ओवर 3000 RPMs कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी वाइब्रेट कर रही है या. और मैं सही बताऊँ, मैं थोड़ा सेफली चलाता हूँ, मैं ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करता हूँ. तो विद इन द परमिसेबल लिमिट, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर. और यही सब यार, मतलब दैट वाज द होल पैकेज जो मुझे टाटा की तरफ ले गया. और जो मैंने शायद इनिशियली बताया था कि बैक इन 2016 TVF ट्रिपलिंग आया था, एंड आई एम अ फैन ऑफ TVF, स्पेशली समीर व्यास, परमानेंट रूममेट गए. तो वो देख के यार, एक यही चीज़ होती है जो स्पॉन्सरशिप का फ़र्क. तो मैंने वो देख के लिया, और मेरे लेने के बाद मेरे ऑफिस में मैंने दो लोगों को रिकमेंड किया. और एक ने टियागो लिया, एक ने टिगोर लिया, एंड दे आर ऑल्सो प्रीट मच हैप्पी. तो दैट वॉज द पॉजिटिव. पॉजिटिव मैं नेगेटिव पे भी आऊँगा. थैंक यू सर. यार अब देखो, एक सवाल मैं इंटरप्ट करूँगा इनको. माइलेज, सपोज एक कार है ए और एक कार है बी, मान लो टियागो है. जो कार ए आपको दे रही है 20 का माइलेज, और ये टियागो जो आपको दे रही है 16-17 का माइलेज, तो डिफरेंस है 3 का माइलेज. ठीक है, ये कार लोगे तो सेफ्टी है, ये कार लोगे तो सेफ नहीं है. ठीक है, अगर कल के दिन सपोज कुछ होता है, जब आप रहोगे नहीं, तो जो 3 का माइलेज है क्या करोगे? जब ये कार चला रहे हो जो 3 का कम माइलेज भी मिल रहा है, बट यू आर देयर टू अर्न दैट, जितना डिफरेंस है आप कमा सकते हो, लाइफ टाइम बचा हुआ है, एंड यू कैन हैव फन. तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, सेफ्टी को पहली प्रेफरेंस दीजिएगा व्हेन यू बाय अ कार, टियागो हो, बड़ी कार हो, या फिर कुछ भी हो. एंड कमिंग टू द माइलेज, जो मेरा एक्सपीरियंस है माइलेज को लेते हुए, लाइक आई ड्राइव मोस्टली फ्रॉम होम टू ऑफिस, तो उसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लाइक 13 टू 15 यू कैन से, एंड ऑन हाईवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट 20+. सो लाइक मैंने जो MID पे शो होता है वो भी देखा है, और टैंक टू टैंक भी मैंने चेक किया है. तो इफ़ यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग जर्नी जहाँ पे 80% हाईवे है, तो यू इजली गेट 20+. इसका एक फैक्टर ये भी है कि टियागो इज़ अ 3-सिलेंडर इंजन, थोड़ा सा आपको पावर एफिशिएंसी में थोड़ा सा एक मतलब नेगेटिव आपको पीछे हटना पड़ेगा, बट यू कंपनसेट ऑन दैट विद द माइलेज. एब्सोल्युटली. जो 3-सिलेंडर बना है, बहुत लोग का सवाल रहता है कि 3 and 4-सिलेंडर. 4-सिलेंडर मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, 3-सिलेंडर इकोनॉमिकल पड़ता है. तो जो भी गाड़ी लो रेंज में आती है उसमें 3-सिलेंडर मोस्टली आपको दिखेगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए होता है. डिफरेंस इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा वाइब्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है इंजन में, थोड़ा कम इफिशियंट हो सकती है, लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत मार्जिनल, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आपको लगे. और 4-सिलेंडर ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगा, 4-सिलेंडर तो अच्छा ही करेगी, नॉइज़ हो कुछ भी चीज़ में, 4-सिलेंडर इज़ वंडरफुल. अच्छा, तो माइलेज आपने शेयर कर ही दिया है, तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत लोगों का ये मेरा भी सवाल है, इनसे 4 साल इन्होंने यूज़ की है, तो 4 साल में बहुत बार सर्विस कराई होगी, तो आपका सर्विस का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा? अब यहाँ से सर्विस वाले पार्ट से मैं नेगेटिव भी स्टार्ट करूँगा. तो फर्स्ट नेगेटिव, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विस ओनली. तो मैंने अभी तक शायद 6 या 7 सर्विस कराई है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर. बट जो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस रहा है, अब गाज़ियाबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ऑल दो इट इज़ NCR, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने पास वाले सर्विस सेंटर पे जाऊँ. तो ऑल ओवर गाज़ियाबाद इनके 2 सर्विस सेंटर हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, लाइक यू कैन इजली फाइंड इट. बट जो सबसे बड़ा वाला सर्विस सेंटर है, दैट्स इन मोहन नगर, तो उन पे मैंने 4 बार सर्विस कराई है. तो इट्स ए मिक्स रिस्पॉन्स, बिकॉज आप सर्विस सेंटर पे जाते हो, आप बताते हो कि जो मेरा इशू था कि व्हेन यू पुट ऑन AC, लाइक आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पर चल रहे हो, यू आर ड्राइविंग ऑन फर्स्ट और सेकंड गियर, एंड जब AC चलता है तो हल्का सा, जब गाड़ी उठती है ना ट्रैफिक में, तो हल्का सा वाइब्रेशन मुझे फील हुआ था कई बार, जो अभी भी शायद होता है. मतलब वो शायद 3-सिलेंडर इंजन है, या मतलब वो मुझे हल्का सा फील, मतलब लैक ऑफ पावर फील होता है. तो वो मैंने जब इशू बताया, तो जनरली लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर वगैरह जो नॉर्मल रूटीन चेकअप के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके डर पे, मतलब दे ट्राई टू मिल्क यू. तो उसमें वो लोग आपको रिकमेंड करेंगे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, वो एक लिक्विड आता है
वो बोलता है पिस्टन क्लियर करके कुछ, इंजन क्लीनिंग फ्लश, इंजन क्लीनिंग करके कुछ, वो ऐसा मॉली टाइप का कुछ आता है और वो आपको ऐसा डराते हैं कि सर इंजन है, नई गाड़ी है, यू हैव टू लाइक रन इट फॉर मैनी मोर ईयर्स, तो डलवा लीजिए, कुछ नहीं होता ये वो। तो लाइक यार हम लोग सर्विस क्लास गए हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू के जितना कम से कम है मैंडेटरी चीज़ें जितना मतलब आपकी वारंटी भी चलती रहे, यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग मैंडेटरी पार्ट, एंड अगर एडिशनल कुछ ज़रूरत नहीं है तो वी डोंट लाइक गो फॉर दैट। बट जब आप अपने इश्यूज़ बताते हो तो वो लोग मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये सब चीज़ें रिकमेंड करके, और जो एक सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट निकलती है, आप नॉर्मल सर्विस पर जाओगे, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, आपकी एयर फिल्टर असेंबली और एक दो चीज़ें जो बेसिक बेसिक चीज़ होती हैं, एक्सेप्ट दैट जो आपका एडिशनल वो लोग चार्ज करते हैं जितने भी लिक्विड का, और ख़ासकर ये वाला जो मैंने बताया इंजन क्लीनिंग करके कुछ, तो बहुत टेक्निकल टर्म था वो, तो मुझे लगता है ये चीज़ एक मतलब, और वो शायद टाटा नहीं, वो शायद हर सर्विस सेंटर करता है, आइदर यू गो ऑन हुंडई और मारुति, तो वो एक सर्विस सेंटर्स का ही है। बट जस्ट बिकॉज कि टाटा के सर्विस सेंटर कम है तो मोनोपोली है, मोनोपोली है, जो एक दो सर्विस सेंटर है वो आपको वहीं घूम फिर के वहीं जाना है, वहीं जाना पड़ता है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिल्ली, बट गाज़ियाबाद में दो ही सर्विस सेंटर है और उनमें से एक तो सर्विस सेंटर कहलाने के लायक भी नहीं है, मतलब एक ही सर्विस सेंटर यू कैन से। तो ये एक पहला नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि जो वाइब्रेशंस वगैरह इनिशियली थी, ऑल दो अभी भी हैं, बट या तो मैं यूज्ड टू हो गया उन सब चीज़ों से, एक होता है ना यूज्ड टू हो गया या नेगेटिव आप यूज्ड टू हो जाते हो ओवर दी मतलब सेम गाड़ी चलाते चलाते, एक वो वाली बात है। और मुझे ऐसा कुछ बहुत मेजर कोई ऐसा छोटी मोटी दिक्कत, मेरी जो टाटा ग्रीन की बैटरी थी, दैट्स इन हाउस टाटा बैटरी, वो 1.5 साल में ख़त्म हो गए थे। मेरी भी 2 साल में हो गए थे, वो तो बहुत बड़ा फीडबैक है। हाँ, वो तो बंद ही कर दिया शायद टाटा ग्रीन बैटरी। हाँ, टाटा ग्रीन बैटरी थी तो वो चेंज हुई, उससे दिक्कत भी थोड़ी बहुत आई ये वाली बात। और आई मीन आई अग्री विद हिम, जो उन्होंने पहला बताया था सर्विस का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो दूसरा बताया था वाइब्रेशन, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है लेकिन मैं भी यूज टू हो गया था, क्योंकि मुझे क्या लगा ना, वेन यू बाय अ कार तो आपको उस वैल्यू पे गाड़ी मिल रही है, तो जो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है तो वो मेरे ख्याल से यू कैन इग्नोर इट। अब यू अब यूज टू ज़्यादा वो भी हो गए थे, लेकिन जो नई BS6 आ रही है उसमें जो वाइब्रेशन नॉइज़ का बहुत कम कर दिया BS6 की वजह से, तो वो इशू भी अब रिजॉल्व हो गया है। तो ये इशूज़ आपने हमें शेयर कर दिया, विच इज़ द बिगेस्ट वन। तो मैं रिसेंटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सर्विस पे है ना टाटा को फीडबैक दिया जाए, हम एक ऐसी सीरीज शुरू करें जिनको भी इशू आ रहा है, आई कैन टॉक टू देम, मेक ए वीडियो और मैं ये वीडियो शेयर कर सकता हूँ ताकि टाटा तक बात पहुँचे एंड दे इम्प्रूव ऑन देयर सर्विस पार्ट। अगर ये हो जाएगा तो फिर एवरीथिंग विल बी गुड एंड पीपल विल बी हैप्पी। सर्विस का कॉस्ट आपको क्या है, अगर थोड़ा तो मुझे पता, काफ़ी लंबा समय हो गया लेकिन अगर याद हो तो आपको। मैंने P2P पॉलिसी ली थी, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने कॉस्ट दी थी, दैट आई पेड 4500 अप टू 4 ईयर्स ऑफ कार और 45,000 किलोमीटर्स, मेरी गाड़ी थोड़ी कम ही चलती है, बट उसमें मुझे लगता है कि एक बार मैंने अपने डिस्क ब्रेक, फ्रंट एंड बैक ड्रम ब्रेक्स वो चेंज करा लिया, तो उतना कॉस्ट रिकवर हो गया है। यस, सो यही है सर्विस का। P2P आप कहते हैं बेनिफिशियल है, अगर रन ज़्यादा तो ले सकते। हाँ, अगर आप रन ज़्यादा आप ले सकते हो, बिकॉज वो आपका कॉस्ट रिकवर हो ही जाता है। मैंने 1 साल बाद ली थी, 1 या 1.5 साल बाद ली थी, तो अभी भी मेरी वो P2P पॉलिसी चल रही है। तो नेगेटिव ये होता है कि आप अगर रेगुलर सर्विस नहीं कराते हो, आपकी एक भी सर्विस मिस हुई, तो दैट P2P पॉलिसी विल बी लाइक नल एंड वॉइड। एंड मैं तो कहूँगा कि सर्विस कभी मिस मत करना। यस, यस। उनको अपॉर्चुनिटी देना ही मत कि आपको कोई ऐसे जगह खड़ा कर दे कि आपकी वारंटी वॉइड हो गई। मेक श्योर टू डू द यू नो सर्विसेज ऑन टाइम, ये बहुत मैंडेटरी है। तो ये तो हम P2P 6 से 7 सर्विस हुई हैं और वो सारी सर्विस सेंटर्स पर हुई हैं, उनमें से 4 या 5 सर्विस एक ही पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पर हुई हैं। तो ओके मेरा वो है जो प्राइस है average. जो थर्ड सर्विस होती है जिस पर आपका, लेकिन वो तो इंजन ऑयल तो वैसे हर सर्विस में चेंज होता है एवरी ईयरली सर्विस, तो नियर अबाउट 4 to 5,000 रेगुलर एवरेज, मतलब एवरेज 4 से 3, कभी 3,000 कभी 5,000 कभी कुछ कंपोनेंट। तो काफ़ी बातें हो गई, तो कभी इसको लॉन्ग ट्रिप पे ले गए आप? मेरी लॉन्ग ट्रिप शायद 800 किलोमीटर्स टिल देहरादून एंड बैक। अच्छा, देहरादून इज नॉट एग्जैक्टली 400 किलोमीटर्स है, देहरादून यहाँ से 250-260 करीब 260 है, तो लाइक टू एंड फ्रो फ्रॉम देहरादून इज माई लॉन्गेस्ट ट्रिप। तो मैंने 6-7 घंटे लगातार ड्राइव की है, एंड लाइक आई रेगुलरली गो ऑन दिस यमुना एक्सप्रेस वे,
तो वहाँ पे भी कभी ऐसा कुछ खास उस चीज पे फ़र्क नहीं पड़ा है। और लॉन्ग ट्रिप पे कंफर्टेबल है, गाड़ी आराम से चलती है आप। और थोड़ा सा मुझे लगता है अगर आप लोग देख रहे हो तो जो ड्राइविंग आपकी हैबिट्स हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी के। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय लाइक अर्ली पुश अर्ली ब्रेक, नो, लाइक आराम से चलो। अगर आपको दिख रहा है लाइक 200 मीटर्स रेड लाइट है तो आई ट्राई टू लाइक इंजन ब्रेकिंग, व्हाट डू यू कॉल इट, एब्सोल्युटली यस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रखें, जरूर बहुत जरूरी है, वही आपको माइलेज देगा, वही आपकी गाड़ी की लाइफ को बढ़ाएगा, गाड़ी की लाइफ को सेव करेगा। और दूसरी बात, पीछे आपने कभी तीन बिठाए हैं इसमें? ये सब मैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑफिस के कलीग्स वगैरह हैं वो कहीं हम लोग कहीं छोटी मोटी ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो पांच बंदे मतलब इंक्लूडिंग ड्राइवर वो बैठे हैं। ऑल दो थोड़ा सा फ़र्क तो ऑब्वियसली फील होगा, थ्री सिलेंडर इंजन विद एसी, थोड़ा तो लैग ऑफ पावर फील होता है, बट यू कैन मैनेज, आपको पता है कि मतलब एडजस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ बहुत मेजर कोई इशू नहीं है। मुझे कोई ड्रैग या फिर गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो लगेगा, किसी भी गाड़ी में बिठा दो अगर लोड बढ़ेगी तो थोड़ा पावर में कमी होगी। तो तीन पीछे आराम से बैठ सकते हैं आराम से। देखो मैं सही बताऊँ तो गाड़ी जैसे तीसरा बंदा तो बीच में बैठता है थोड़ा तो इशू आता है। और यार ये सबकी ना अपनी पर्सनल ओपिनियंस होता है, देखो एक होता है एडजस्टमेंट, एक होता है थोड़ी रॉयल्टी और कंफर्ट, मतलब वो वाली बात है। अब इफ़ यू आर परचेजिंग ए हैचबैक सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि पांच बंदे बहुत ही लॉन्ग ट्रिप पे, ऑल्दो यू कैन एडजस्ट लाइक जो थोड़ी कॉलेज गोइंग आइज हैं या मतलब, देखो एडजस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड योर कम्फर्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इतना कम्फर्टेबल नहीं है बट यू कैन मैनेज। ये पहली गाड़ी थी आपकी 2016? यस दैट वॉज माई दैट इज़ माई फर्स्ट कार एंड थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू हिम। पहली गाड़ी इन्होंने ली, टियागो लॉन्च हुए 6 महीने बाद, रिस्की था, मार्केट में उतने रिव्यूज वगैरह नहीं थे, फिर भी इन्होंने रिस्क लिया एंड यू नो आई सल्यूट फॉर योर करेज मैन। तो जो अगर फाइनली सम करें तो पहले आपने समराइज कर दिया है, जो इनका एक्सपीरियंस रहा मिक्सड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा है, पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, नेगेटिव माइनर्स हैं जो शायद हर गाड़ी में होता है ऐसा सच। जो थोड़ा सर्विस वाला पार्ट है वो आप लोग देख लेना, अगर आप बहुत ही ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे सर्विस सेंटर बहुत दूर है या मतलब या तो एक ही सर्विस सेंटर है वो खराब है तो तो थोड़ा सा ये वाली बात है। और इफ़ अगर टाटा अपनी सर्विस को सुधार ले तो आई डोंट थिंक के उनकी गाड़ी मतलब कोई भी किसी भी अदर ब्रांड से कम है। बिल्कुल, मार्केट में इतने सारे मतलब अफवाहें वगैरह फैली हैं, होता क्या है कि जो टाटा जिसके पास नहीं भी है वो टाटा के बारे में ओपिनियन और कमेंट करता है कि टाटा ऐसी है सिर्फ सुन के। अब इसीलिए मेरा जो पर्पज़ है टाटा के ओनर्स जो चला रहे हैं उनको लेके आता हूँ ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके अगर आपको गाड़ी लेनी है तो अपना मन बना सकते हैं। और उसके अलावा जो टाटा की सर्विसेज हैं डेफिनेटली जैसे उन्होंने बोला अगर इम्प्रूव होती हैं तो फिर गाड़ियां बहुत ज़्यादा अभी भी बिक रही हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग को पता है कि सर्विस का इशू है, ये है वो है, लेकिन गाड़ी अभी भी बिक रही है। yes. अगर ये सर्विस पूरी तरह ठीक हो जाए तो फिर नंबर कहाँ पहुँच जाए, पीपल विल बाय इट यू नो। एंड आफ्टर दिस पैंडमिक जो वोकल फॉर लोकल वाला हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा कहा है, लोग उस पर जाते हैं बट कहीं ना कहीं टाटा को अपनी सर्विस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और सर्विस के साथ साथ जो आपके बंदे हैं थोड़ा बिहेवियर ऑफ वे ऑफ टॉकिंग, जो आप फर्स्ट टाइम कार बायर आप अगर आपको शोरूम में जाते को वेलकम ना करें या थोड़ा वो चीज़ थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ा फ़र्क लाती है शायद। बिल्कुल लाती है। और जैसे इन्होंने बोला था वोकल फॉर लोकल, ठीक है, आई सपोर्ट इंडिया एंड सपोर्ट दी इंडियन प्रोडक्ट वोकल फॉर लोकल, लेकिन जब प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आदमी सोचने में मजबूर है ना, वोकल फॉर लोकल करें या अपने पैसे को कहीं फंसाए। तो सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होने जरूरी है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर टाटा का कोई भी बंदा देख रहा है, आई रिक्वेस्ट यू, सब कुछ अच्छा है, बहुत लोगों से मुझसे ना प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विसेज का बहुत इश्यू है, प्लीज़ उसे सुधारिए, प्लीज़ उसे सुधारिए, हम चाहते हैं कि टाटा को ऊपर देखना। मैंने तो लोग को बोला 4-5 साल में टाटा बढ़ेगी, लेकिन सर्विसेज सही होंगी तभी बढ़ेंगी। आई रिक्वेस्ट यू टू वेर इन, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज, ड्राइव सेफ गाइज, ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज जो मैंने पर्सनल मैं NCR में चलाता हूँ और ये एक मैसेज है फॉर एवरीवन हु इज व्यूइंग दिस वीडियो कि थोड़ा ड्राइव सेफ, और अगर कुछ छोटा मोटा इशू भी हो जाता है तो डोंट ट्राई टू गेट इनटू आर्गुमेंट्स एंड लाइक, बिकॉज फिर वही बात कि जान है तो जहान है यार। अब आप मतलब यू नेवर नो कि कौन बंदा कैसा है, किस पीस ऑफ माइंड इज बेटर देन लाइक आर्गुइंग। एंड गाड़ी ठुक गई ठीक है, कुछ हो जाता है 2-3 हज़ार खर्चा आएगा, वहाँ पर लड़ने बैठेंगे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया
ऑलवेज मेक श्योर कि देखो अगर ढंग से बात हो सकती है, अगर लग रहा है कि बंदा सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है अगर वो तो नमस्ते कर, सामने वाला बंदा अगर खुद पढ़ा लिखा है तो वो खुद आके आपको सॉरी बोलेगा, वो फिर आदमी उसमें पैसे की कोई बात नहीं होती, जहाँ से सॉरी सुन लिया तो पैसे नहीं देता। हाँ यस यस एग्जैक्टली, तो ड्राइव सेफ, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड बस यही है और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस, सो ये था मीटिंग हमारी इंटरव्यू शैलेश जी से। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू एवरीवन, और बिलीव मी ही इज अ जेंटलमैन। मैं पता नहीं मेरा लक अच्छा है, मैं सभी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो काफ़ी जेंटलमैन होते हैं। ही जैसे मैं पहुँचा हूँ उन्होंने रुकने नहीं दिया, ही ऑफर्ड मी वहाँ पे अंदर पानी पिलाया, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बिस्किट वगैरह, सो आई थैंक यू। तो दोस्तों यही था रिव्यू शैलेश जी का, 4 साल का ओनरशिप का एक्सपीरियंस, तो होप ये आप लोग को पसंद आए और आप लोग को हेल्प करे गाड़ी परचेज करने में। तो आपसे जल्दी मिलते हैं किसी एक ऐसे वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू।